रानो, अरे जल्दी से ले आ मेरी बहू को। हार पहना दिया उसे, मैंने मना किया था। रानो अब तो तेरी खैर नहीं है। आजा गुड्डू, इधर आके बैठ जा। जा सबके लिए जूस का इंतजाम कर। जी। देखो जी, देखो मेरी बहू को, अब कीजिए मुंह दिखाई। अरे वाह कमला, बड़ी सोनी नू है तेरी। बड़ी हवेली की कुड़ी को अपनी नू बना के बड़ा बढ़िया काम किया तूने। तेरी तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। घी नहीं, असली घी में बनाई आज मैंने मिठाई। खा के जाइएगा सब। मिठाई तो खा लेंगे, पर गुड्डों के मायके वाले कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। आते ही होंगे सब लोग। अरे गुड्डों के गले में हार तो देखो, खानदानी लगता है। किधर का है ये? प्रीत बहन जी ने दिया है मुझे, मेरी माँ का हार है। सुंदर है ना? बहुत सोना है भाई, बहुत सोना। अच्छा है, दिखा इधर। अरे वाह, बड़ी हिम्मत पड़ गई तेरी। मैंने गुड्डू को वो हार पहनाने से मना किया था ना, फिर भी पहनाया तूने। कान खोलकर एक बात सुन ले, घर में मेरी मर्जी के खिलाफ तूने कुछ भी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्यों पहना उसे हार जब मैंने मना किया था? बोल। आंसू आ गए थे उसके। ओए होए, तेरे दिल में बड़ा दर्द है उसके लिए? हमदर्दी हो रही है तुझे उसके लिए? उसके लिए इतनी ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत कर, समझी? मैं और सुखी गुड्डों का ख्याल रखने के लिए काफी है, तुझे हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। और तूने उसकी आंख का एक भी आंसू पोंछने की कोशिश की ना, तो मैं तेरी आंखों में हजारों आंसू भर दूंगी। मेरा बचपन आंसुओं के साथ ही तो हंसते खेलते बीता है। मुझे तो इनकी तब से आदत पड़ चुकी है, जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं। लेकिन मैं गुड्डू की मुस्कुराहट को आंसुओं में गुम नहीं होने दूंगी। पंगा ना ले मेरे साथ, मैं कह देती हूँ। बीजी, जल्दी आ गए, मगर आप क्यों इतनी देर से आए हो? वो क्या है ना, हम अपने गुड्डू पुत्र के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेने गए थे, ये देख। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। बड़ी देर कर दीजिए आते आते। अरे मैं तो जवाब देते देते थक गई, अब आएंगे तब आएंगे। जी देर से आने के लिए माफी चाहते हैं। जी माफी कैसी, शर्मिंदा ना करो जी, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? आप तो पूरा बाजार ही साथ लेकर आ गए, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? तकलीफ कैसी जी, ये तो गुड्डों के लिए प्यार समझिए। वैसे भी हम गुड्डों के घर पहली बार आ रहे हैं, तो खाली हाथ कैसे आते? हाँ वो भी है। शुक्रिया जी, बैठी बैठी। रानो क्यों नहीं आई? पुत्र तेरे प्रीत बहन जी की तबीयत खराब थी,
क्या हो गया जी प्रीत बहन जी की तबीयत को? ओ जी कुछ नहीं, शादी के दिनों में जरा आराम नहीं कर पाई ना, इसलिए जरा थकावट सी हो गई है। ओ कोई नहीं जी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। शन्नो भाभी, पर रणबीर वीर जी तो आ ही सकते थे ना? अरे वो तो आने ही वाले थे, पर मैंने ही मना कर दिया। क्यों? गुड्डो, ये तो लेडीज फंक्शन है ना। ओ बेचारे वीर जी। अरे 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 सोनी कुड़ी डालो, जीती रहो राजी रहो, रब तेरी सारी मुरादें पूरी करे। आइए, तू कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं भी क्या करती, मैं भी तो लुधियाना चली गई है, घर का सारा काम करके आ रही हूँ। ये कौन है? ये मेरी बीरा बुआ है, आज ही बठिंडा से आई है। बीरा बुआ, ये है रानो, ये सबसे प्यारी सहेली। नमस्ते जी। बीरा बुआ थोड़ा ऊंचा सुनती है। बीरा बुआ, रानो आपको नमस्ते कर रही है। नमस्ते जी। नमस्ते का जवाब गले मिलके देती है, बड़े प्यार वाली है ना। ये कौन है निम्मी? ये मेरी बीरा बुआ, भटिंडे वाली, आज ही आई है। ओ, तेरी भटिंडे में भी कोई बुआ है? चल अच्छा हुआ तू उन्हें साथ ले आई। आओ जी आओ, बड़े अच्छे शगुन में आए हैं जी आप। आइए आइए। कुछ बोलती नहीं तेरी बुआ? गूंगी है क्या? गूंगी नहीं है, बहरी है, थोड़ा ऊंचा सुनती है। कोई नहीं कोई नहीं, आओ जी आओ, आओ जी, सगन है आज, बड़ा अच्छा। आइए। निम्मी, इन्होंने इतना बड़ा घूंघट क्यों लिया हुआ है? बीरा बुआ बहुत शर्मीली है, फूफा जी के सामने भी हमेशा इतने लंबे लंबे घूंघट में रहती है। निम्मी देख, गुड्डू कितनी प्यारी लग रही है। प्यारी भी और खुश भी। अब तू चल के बैठ, मैं काम करती हूँ फटाफट। आइए। शगन वो दे दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, शुरू करो। मैं देखती। शनु दीदी। हाँ। वो शगन वाला बैग कहाँ है? बैग कहाँ है? बैग कहाँ है यही मैं आपसे पूछ रही। बीजी जी, वो बैग
तुझे ही बैग दिया था ना मैंने? हाँ जी बीजी, दिया तो था, पर मैं वहीं घर पर ही भूल गई। पैकेट भूल गए? कोई अपनी बेटी की मुंह दिखाई का सगन भी भूल सकता है? वाह भाई वाह, वड्डे लोग वड्डी बातें। अब ऐसे कर, रणबीर को फोन लगा, वो पैकेट यहाँ पहुँचा देगा। अभी अभी लगाती हूँ फोन। हाँ बीरा बुआ बहरी है। बहरी नहीं है, ऊंचा सुनती है। अच्छा अच्छा, पर तू तो बहरी नहीं है ना, तू नहीं उठा सकती उनका फोन। नहीं। क्या हुआ शनो दीदी, फोन नहीं उठा? मैं आज ही फोन नहीं उठा रहा। ओफो शनो दीदी, तो विकी को फोन लगा लीजिए आप। हाँ ये ठीक रहेगा मन्नो। आप वो पैकेट घर पे ही भूल गए? कोई बात नहीं जी, वैसे भी उन लोगों को कुछ भी देने का कोई फायदा नहीं है। ला, मेरे को दो। विकी, तुम्हें जैसा कहा गया वैसे कर, पैकेट यहां पहुंचा दो। बीजी हाँ जी। क्या हाँ जी हाँ जी, ये पंजाबी गाने सुने आऊं क्या यहाँ पे? कुछ करो ना, मिलवाओ उससे। कैसे कैसे करूं, कितनी बिजी है वो, मेहमानों को देखी है हमें, तो अब किस तरह काम आओगी? कुछ करो यार, मिलवाओ उससे। ठीक है कुछ करती हूँ, तुम बीमार हो जाओ। है? हाँ, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, खांसी, कुछ भी कुछ भी। तो एक काम करना, अपने रूम में ले जा, थोड़ा आराम कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। तो तू ले जाना उनको अंदर। मैं तो ऊंचा बोल बोल के थक गई हूँ, एक तो उन्हें सुनाई नहीं देता है, तू रहेगी तो कम से कम 100 सवाल तो नहीं पूछेंगी। प्लीज ले जा। निम्मी, इतने सारे मेहमान आए हुए, मैं कैसे ले जाऊँ? तू प्लीज रानो, प्लीज देखना बहुत तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, आइए। आप यहाँ पे लेट जाइए, आराम कीजिए। आप कुछ पिएंगी, चाय या पानी? आप कुछ पिएंगी बीरा बुआ? हैं? आप कुछ पिएंगी पानी या चाय? नहीं पुत्र, वो तू बस दरवाजा बंद कर दे। ठीक है, मैं जाते समय दरवाजा बंद कर दूंगी। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। ओए रानो पुत्र। जी? ओए मैं सोच रही सी तू दरवाजे नु बंद करके मैनू लिटा देती। जी जाओ यहां से। ओके मैं जा रही हूं।
रणबीर, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरी जान निकल जा रही है, रणबीर तुम क्या कर? जान तो मेरी निकली जा रही है। तुमसे दूर रहकर वो हर दिन जब मैं तुम्हें देख नहीं पाता, वो हर दिन एक सजा की तरह होता है। उस दिन का इंतजार रहता है जिस दिन से मेरी हर सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर शुरू होगी। पागलों जैसा हाल हो गया, यहां देखता हूं तुम नजर आती हो, वहां देखता हूं तुम नजर आती हो। तुम मेरे दिल में ही नहीं, मेरी आंखों में, मेरी धड़कन में, मेरी सांसों में, हर जगह बस गई। हवा छू के जाती है तो लगता है जैसे तुम्हारी सांस ने छू लिया। अब जब मैं तुम्हारे इतना करीब हूं तो मैं क्यों ना करूं तुमसे बातें, मैं क्यों ना हूं तुम्हारे और करीब। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ, बाहर आ जाओ। देखा तुम्हारे प्यार में क्या क्या करना पड़ता है, रणबीर से बीरा बुआ, बीरा बुआ। बस तुम्हें देखना था, तुमसे मिलना था, मिल गया। So now, it's time to say bye-bye to Birabu. तो मेरी बीराबू कैसी लगी? हम तुम एक कमरे में बंद हो और शादी। तो ये सब तेरी गलतफहमी थी, बेवकूफ। कैसे तुम बर्फाएगी तू? रानो जा, मेहमानों का ख्याल रख। जब देखो गप्पे लड़ाने लगते हैं दोनों। तू कौन थी? कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? कान में रुई डाल रखी है क्या? नहीं, मैं वो नहीं। मैं क्या लगा रखा है? अरे कमला। हाँ जी आई जी। विक्की भी अभी तक नहीं आया। निमी, तेरी बुआ कितनी जा रही है? बुआ नहीं जी, मेरी बुआ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो घर गई है। ओ तुम मिठाई का डब्बा तो दे दो ने। सुनिए जी, मिठाई तो ले जाइए। ओ बहन जी सुनिए तो, Thank you.
अच्छा, तो यहाँ ये मुंह दिखाई देती है।